नमः सिद्धेभ्यः। देवादिदेव एक हजार श्री अजितनाथ भगवान को नमन करते हुए और परम पूज्य आचार्य भगवान श्री वसुनंदी जी मुनिराज को कोटिशा नमोस्तु करते हुए आज के स्वाध्याय को यहाँ पे प्रारंभ करते हैं। ग्रंथ विद्या वसु श्रावकाचार्य के गाथा क्रमांक 51 का आज यहाँ पर स्वाध्याय करेंगे। अमूर्त दृष्टि किसे कहते हैं, कौन होते हैं, उन सब के बारे में आज यहाँ पर सुनेंगे। पहले उच्चारण, बाद में उसकी व्याख्या। धम्मा धम्म तच्चेसु अतच्चे जिणमग्गे कुमग्गे वा देवे गुरु सत्थे सुम अणत्थि मूणो अमूण दिट्ठि। धम्मा धम्म तच्चेसु, धर्म और अधर्म या तत्वों में अतच्चे अतत्व में जिणमग्गे जिन मार्ग में कुमग्गे वा या कुमार्ग में देवे देव में गुरु गुरु में सत्थे सुम व शास्त्रों में जो व्यक्ति जो जीव अणत्थि नहीं है मूढ़ो मूढ़ वह अमूढ़ दिट्ठि अमूढ़ दृष्टि है। यहाँ पर अमूढ़ दृष्टि की परिभाषा करते हुए आचार्य महाराज कहते हैं जो धर्म और अधर्म में या तत्वों अतत्वों में जिन मार्ग में कुमार्ग में देव में गुरु व शास्त्रों में मूढ़ नहीं है यानी अंधविश्वासी नहीं है मूर्ख नहीं है रूढ़िवादिता में नहीं फंसा है वह व्यक्ति वह जीव अमूढ़ दृष्टि जानना चाहिए। देखो मिथ्या मार्ग हो और सम्यक मार्ग हो दो मार्ग दिए हैं। अब दो मार्ग में एक पर चलना है, कौन से राह पर चलें जिसमें कांटे दिख रहे हैं शुरुआत में और बाद में पुष्प जैसी कोमल शैया जैसी उसका मार्ग होगा उस पर चलें, या जिसमें पहले फूल दिख रहे हैं बाद में कांटों से भरी वह मार्ग रहेगी उस पर चलें। तो सम्यक दृष्टि जीव सोचता है कि जिस मार्ग पर चलकर मुझे आने वाले समय में सुख मिलेगा वह सुख मुझे शाश्वत सुख होगा, तो उस मार्ग में यदि पहले कष्ट भी आ जाए तो वह स्वीकार होता है। लेकिन मूढ़ दृष्टि यानी जो मिथ्या मार्गी होता है वो पहले फूलों की वह सुंदर सुंदर कोमल सेज को देखता हुआ उस मार्ग को देखता हुआ उस पर रीझ जाता है और फिर बाद में पछताता है जब उसमें कांटे ही कांटे उसको चलने को मिलते हैं। महानुभाव यहाँ पर तीन प्रकार की मूढ़ताएं होती हैं, लोक मूढ़ता गुरु मूढ़ता और देव मूढ़ता। लोक मूढ़ता यानी कई मतों में ऐसा माना जाता है कि पहाड़ से कूद जाएं तो स्वर्ग मिलता है वैकुंठ मिलता है, या पानी में समाधि लगा लेना डूब जाना चौराहों को पूजना, ऐसे कई प्रकार की लोक मूर्ताएं प्रचलित हैं। ये देखा देखी भी होती हैं और कुछ स्वतः ही बनाई भी जाती हैं। आप लोगों ने देखा होगा कुछ समय पूर्व शहरों में गांव में हल्ला मचा कि भैया कोई चुड़ैल आ रही है घर घर जाती है वह चुड़ैल घर में अयश करेगी वह कि सबका बुरा करेगी तो क्या करें। तो सब लोग ने कहा कि चलो घर के बाहर मेहंदी के भरे हाथ लगाएं उसके हाथ छापे जिससे वह चुड़ैल घर में नहीं आएगी। इस मिथ्यात्व का इतना पोषण हुआ कि बहुत सारे घरों में वह मेहंदी के हाथ लगाने लगे उसके छापे मारने लगे, लेकिन जो सम्यक दृष्टि थे वह उससे विचलित नहीं हुए और उन्होंने इस पर विश्वास ना करते हुए केवल और केवल जिनेंद्र प्रभु का श्रद्धान किया और घरों के बाहर रमोकार मंत्र लिखा। रमोकार मंत्र लगाने से सभी प्रकार की बुरी बाधाएं विपरीत बाधाएं जो हमारे लिए अशुभकारी हो सकती हैं नेगेटिव एनर्जी जिसे कहते हैं नकारात्मक चिंतन वह इस घर के अंदर प्रवेश नहीं करता और नमोकार मंत्र हमारे लिए सब प्रकार से शुभ करने वाला है मंगल करने वाला है। तो ये लोक मूर्ता से बचने के लिए हम लोगों को अपने ही जिन धर्म के क्रियाओं पर विश्वास करना चाहिए। दूसरी बात गुरु मूर्ता जो
चिमटा हाथ में रखते हों, बड़ी बड़ी जटाएं हों, गिर हुए वस्त्र पहने हों, पाखंडी कहलाते हैं, पंचांगनी तप करते हैं, ऐसे साधुओं को सच्चा मानना, उनकी आराधना करना, उनके पीछे पीछे जाना, वह उन जैसा बनने का भाव रखना, ये गुरु मूर्ता कहलाती है। इतनी बड़ी बड़ी जटाएं हो जाती हैं। एक उदाहरण देखें कि एक बार एक साधु सड़क किनारे बैठे थे और वह बड़ी बड़ी जटाएं, गिर हुए वस्त्र, शरीर मलिन, न खाने को न पीने को, बस बेसुध चिलम आदि का सेवन कर रहे, नशा आदि कर रहे थे, और उनकी जटाएं नहाना नहीं, धोना नहीं, और वो इतनी बड़ी जटाएं हो गईं, उस जटाओं में जीव उत्पन्न हो गए। और एक किसी एनजीओ ने उस संत को देखा और उसका जबरदस्ती उसका सर मुंडन करा, तो देखा गया उस जटाओं के भीतर बड़े बड़े दो 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 इंद्रिय लट पड़ गई थी, जो उसके शरीर को खा रही थी, मांस निकल कर बाहर आ रहा था, खून पस पीप सब पड़ी थी, लेकिन वह पाखंडी उस मिथ्यापने में ही अपने आप को नष्ट करता जा रहा था, उसी नशे में वह अपने दर्द को भूलकर उसको ही सही मान रहा था। ये गुरु मूर्ता जानना चाहिए। ऐसी मूर्ता करने वाले जो गुरु रहते हैं, उनके जो शिष्य बनते हैं, वे भी अनायतन कहलाते हैं, वो भी उसी मूर्ता में सम्मिलित हो जाते हैं। तीसरे बताएं देव मूर्ता। देव मूर्ता जो सच्चे वीतरागी सर्वज्ञ और हितोपदेशी हैं, उनको ना मानकर कुदेवों को मानना या सामान्य देवों को मानना, सुदेवों को भगवान मानकर पूजना या पेड़ों को पूजना, पीपल नीम आदि पत्तों को, पेड़ पौधों को पूजना, तुलसी आदि की आराधना करना, या फिर किसी पत्थर को भगवान मानकर निराकार उनको देव छत्र क्षेत्रपाल आदि अन्य अन्य प्रकार से उनके स्वरूप को मानकर भगवान बना लेना, उनके आराधना करने लगना, या किसी भी व्यक्ति में देव की कल्पना कर लेना, ऐसे अन्य अन्य देव मूर्ताएं कहलाती हैं। पहाड़ों की पूजा करना, बादलों की पूजा करना, नदियों की पूजा करना, उन्हें उनको उस नदियों में स्नान करके अपने आप को पवित्र मानना, तो ये सब देव मूर्ता आदि में सम्मिलित हो जाता है। तो महानुभाव यहाँ पर इन तीन मूर्ताओं से बचता है, वह सम्यक दृष्टि अमूढ़ दृष्टि कहलाता है, और जो इन प्रकार के मूर्ताओं में फंसता है, उसका कारण कहीं ना कहीं लोभ भी होता है, लालच भी होता है। किसी की कुछ विपत्ति आती है, जीवन में दुख आता है, तो उसे किसी ने कहा भैया जाओ तुम उस देवी को पूजो तो तुम्हारे यहाँ पर संतान हो जाएगी, तुम उस देवी को पूजो तो तुम्हारे यहाँ घर संपत्ति बढ़ जाएगी। आधे से ज़्यादा श्रावक आज दिवाली पर लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हैं, ये भी तो देव मूर्ता में ही आता है। इनकी आराधना करने से यदि लक्ष्मी मिल जाती, यदि व्यक्ति धनवान हो जाता, तो फिर इस धरती पर ऐसा कोई व्यक्ति क्यों है जो लक्ष्मीवान नहीं है, धनवान नहीं है? सभी लोग लक्ष्मी की गणेश की पूजा करते हैं, तो भी लोग धनहीन क्यों हैं, गरीब क्यों हैं, निर्धन क्यों हैं? इसलिए महानुभाव, यदि लक्ष्मी की पूजा करने से लोग धनवान बन जाते, तो आज सब लोग अपने अपने मतों को छोड़कर, वह सभी लोग अन्य कुदेवी देवताओं को भी छोड़कर केवल एकमात्र लक्ष्मी की पूजा करते, लेकिन वह सब सत्य नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ लोक मूर्ता और गुरु मूर्ता देव मूर्ता के अंतर्गत आता है। जीव चमत्कार को देखकर अपने सम्यक से स्खलित हो जाता है, चमत्कार देखकर वह अन्य अन्य मतों में भागने लगता है, लालसा में भागने लगता है। बीच में सुनने में आया था कि गणेश जी दूध पी रहे हैं, तो कई लोगों ने, सम्यक दृष्टि जैन श्रावकों ने भी जाकर उस गणेश मूर्ति में दूध पिलाने का प्रयास किया, सम्यक को दूषित किया, मूर्ता में फंस गए। कोई कोई था कि भैया पपीते में गणेश बन गए, पेड़ पर जीव बन रहा है, तो वह उसकी आकृति देखने लगे। ऐसे कई बार मूर्ताओं के कारण उसे चमत्कार मानकर, उस प्राकृतिक प्रक्रिया को देखकर वह चमत्कार मानकर उनकी आराधना में लग जाता है, लोभ लालच में फंस जाता है, भयभीत हो जाता है, तो फिर वह सम्यक को खंडित करता हुआ मूढ़ दृष्टि हो जाता है, अमूर्ता को
वह प्राप्त नहीं कर पाता। इसलिए महानुभाव अपनी श्रद्धा को इतना कमजोर ना बनाएं कि क्षण भर की जो प्राकृतिक क्रियाएं में चमत्कार देखकर उन जैसा होने का, उनकी आराधना करने का मन बना लेता है। वह विचारने लगता है, जो सम्यक दृष्टि जीव होता है, जो अमूढ़ दृष्टि होता है, इनको देखकर वह अपने आप को स्खलित नहीं होने देता, वह अपने आप को संभालता है। वह कहता है, ये तो मेरे पूर्वोपार्जित पुण्य के से प्राप्त हुआ था, जो वर्तमान में मुझे मिथ्यात्व का प्रभाव नहीं दिख रहा है। ये जब सब कुछ मुझे प्राप्त हुआ है, चाहे वह लक्ष्मी की आराधना कर रहा है, जो जीव लक्ष्मी की आराधना कर रहा है वह सोचता है कि मुझे लक्ष्मी से प्राप्त हो रहा है, लेकिन जो सम्यक दृष्टि होता है वो कहता है, ये मुझे मेरे पूर्व में अर्जित पुण्य के प्रताप से प्राप्त हुआ। यदि मैं वर्तमान में इसको भोगूंगा तो ये मुझे मिथ्यात् बंद करेगा, पाप बंद करेगा, लेकिन यदि मैं अपने देव शास्त्रगुरु की आराधना करूंगा तो मुझे आने वाले समय में फिर उस पुण्य के प्रताप से फिर अन्य सुख संपत्ति प्राप्त होगी, लेकिन जो दुख मेरे जीवन में आ रहा है वो मेरे पाप के उदय से आ रहा है, और जो मेरे जीवन में सुख आ रहा है वो मेरे पूर्व में अर्जित पुण्य के प्रभाव से ही आ रहा है। वर्तमान मिथ्यात् का मेरे जीवन में प्रभाव नहीं पड़ता। यदि कभी कभी ऐसा होता है, कोई व्यक्ति मिथ्यात् का त्याग करता भी है और उसके जीवन में संकट आता है तो फिर वह विचलित तो होता, काश कहें ऐसा तो नहीं मैंने वो मिथ्यात् का त्याग किया है, उसी के कारण ऐसा हो रहा है। लेकिन नहीं, दुख आने पर भी सम्यक मार्ग में विपरीतता नहीं लाना, ये अपने आप को सम्यक में दृढ़ करने का एक बहुत अच्छा साधन है। परीक्षाएं भी होती हैं, जब व्यक्ति मिथ्यात् का त्याग करता है तो उसके जीवन में नाना प्रकार की परीक्षाएं होती हैं, लेकिन जो व्यक्ति परीक्षा में पास हो जाता है वह आगे बढ़ जाता है, और जो परीक्षाओं में फेल हो जाता है वो वहीं अटक जाता है। उदाहरण के तौर पर बहुत प्रसिद्ध कथा है रेवती रानी की, उसे सुनते हैं। विजयार्थ पर्वत की दक्षिण श्रेणी संबंधी मेघकूट नगर का राजा चंद्रप्रभ उसके चंद्रशेखर पुत्र का राज्य देकर वह परोपकार की तथा वंदना भक्ति के लिए विद्याओं को धारण करता हुआ गुप्ताचार्य मुनि के पास क्षुल्लक हो गया। वह एक दिन क्षुल्लक जी वंदना करने के लिए उत्तर मथुरा की ओर जाने लगे तो गुप्ताचार्य महाराज से पूछा, किसी को कुछ कहना है? तो गुप्ताचार्य महाराज ने कहा, जाकर सुव्रत मुनि को मेरी वंदना कहना और रेवती रानी के लिए आशीर्वाद कहना। इस पर छुल्लक जी सोचते रहे, वहाँ पर 11 अंक के धारी भव्यसेन मुनिराज हैं और भी अन्य धर्मात्मा हैं, उनको क्यों नहीं कुछ कहा? लेकिन ये सोचकर कि गुरु के ही वाक्यों में कुछ ना कुछ रहस्य होता है, वह इतना सुनकर वह उत्तर मथुरा की ओर चले गए। वहाँ जाकर उन्होंने सुव्रत मुनि को वंदना की और सुव्रत मुनि ने भी वात्सल्य भाव दिखलाकर उन्हें आशीर्वाद दिया और प्रति उत्तर में गुप्ताचार्य को प्रति नमोस्तु की। आगे समय बीता रहा तो वह परीक्षा करने के लिए भव्यसेन मुनिराज के पास पहुंचे। वह भव्यसेन के पास पहुंचने के बाद बहाने से वह शौच के लिए जब भव्यसेन गए तो उनके आगे विक्रिया से हरी हरी घास उगा दी और कहा, सुना है शास्त्रों में हरी हरी घास में जीव होते हैं। फिर भी भव्यसेन रुके नहीं और उसी घास पर से निकल गए। आगे जाने के बाद उनकी विक्रिया से कमंडलों में से पानी को गायब कर दिया, लेकिन भव्यसेन ने शुद्धि करने के लिए सरोवर में से पानी ले लिया और उत्तम मिट्टी में से शुद्धि कर ली। यह देखकर वह मिथ्या दृष्टि है ऐसा जानकर छुल्लक ने भव्यसेन को अभव्यसेन नाम दे दिया। अगले दिन पूर्व दिशा में उन्हीं छुल्लक जी महाराज ने चार मुखी वाला यज्ञोपवीत धारण करने वाला ब्रह्मा का रूप बनाया। यह देखकर राजा और भव्यसेन आदि सब लोग जो नगरवासी थे वे ब्रह्मा के दर्शन करने पहुंच गए, लेकिन रेवती रानी नहीं गई। वह जानती थी कि ब्रह्मा तो एक ही था और वह ब्रह्मा आदिनाथ भगवान थे, वह हो चुके। फिर उसके बाद उन्होंने दक्षिण दिशा में गरुड़ का रूप बनाया, गरुड़धारी चार भुजा वाला शंख आदि धारण करने वाले नारायण का रूप बनाया, तो भी वह नहीं गई। फिर पश्चिम दिशा में
जटाजूट धारण करने वाले पार्वती और गणों से सहित शंकर बनाए, फिर भी नहीं गई। अब की बार उत्तर दिशा में उन छुल्लक जी ने समावश्रण के मध्य अष्ट प्रात्योहारे वाले भगवान महावीर स्वामी का रूप बनाया, तीर्थंकर का रूप बनाया, फिर भी नहीं गई। बोले अब क्यों नहीं जाते? बोले तीर्थंकर तो 24 होते हैं और वे सब हो चुके। यह तो कोई ढोंगी है, मायावी है, वे सब हो चुके हैं, यह तो कोई मायावी है। इस प्रकार से कहकर वे दर्शन करने नहीं गई। रेवती रानी के उक्त वचन सुनकर छुल्लक ने संतोष से सब माया को संकोच कर यानी समेट लिया और गुप्ताचार्य की परोक्ष वंदना कर उनका आशीर्वाद कहा। लोगों के बीच उसकी अमूर दृष्टिता की खूब प्रशंसा हुई। सबने रेवती रानी की भूरी भूरी प्रशंसा की और छुल्लक जी अपने स्थान पर चले गए। आने वाले समय में रेवती रानी ने भी अपने जीवन में आर्यक व्रत धारण किया, तप किया और ब्रह्म स्वर्ग में देवी हुई, देव हुई। इसलिए महानुभाव, एक एक अंग भी धारण करने वाला जीव के कल्याण का कारण होता है और जो जीव सभी अंगों को धारण करता है तो उसका तो सम्यक दर्शन शीघ्र ही शायक होता हुआ वह उसे अनंत सुख यानी सिद्धात्मा बना देता है। आप भी अपने अमूर दृष्टि पने को प्राप्त करें, मूर्ता का त्याग करें, ऐसी मंगल भावना आपके प्रति भाते हैं। आज बस इतना ही। समय पूर्णता को प्राप्त हुआ, जिनवाणी स्तुति कर लें। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरो सदा दे थो दोक। हे जिनवाणी भारती तो हे जपु दिन रेन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। बोलिए आचार्य गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनिराज की जय, जिनवाणी माता की जय। 9 बार नमोकार मंत्र। ज्ञानमयी बातों को आत्मसात करने के लिए श्रीवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि श्रीवाणी चैनल के भक्तिमय अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय जिनेंद्र।